Rolling in the palace, but you're too tame. I ain't for the south, but I appreciate the wood grain. Never calling me about the noise, it's only two, man. I'm in the same building, but the flows and view change. I ain't for the waiting now. I bought a Rari and I did it just to hit a sign. Drive safe, really about to lose all its meaning now. Guess you love to travel when I pull up and you leaving town. Say you married to the game and I'm just here to find a gal. I got a flight in the morning, I see what you've been trying to do. And I'm a mission to border. You think I never pay attention in my mind, I'm recording. I'm about to win and ruin all your goals and dreams out of boredom. Riding around with homies like we run the city. Looking fresh and feeling like a millie. Moving silence, you can never hear me. If you got a problem when you see me, run it. I'm a born winner, a Jordan 23. Woo! All my people G's until the party cease. Run it. तो ये है माथेरन पार्ट टू। अगर आपको जानना है कि यहाँ कैसे पहुँचा जाता है, इसका लोकेशन क्या है और बाकी सारी डिटेल्स की टॉय ट्रेन कैसे पकड़ी जाती है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं हमारा पार्ट वन का व्लॉग, जिसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स माथेरन के। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम इस बार कवर किया जा सकता है। माथेरन में अलग अलग पॉइंट्स है। बात वही है कि हम अलग अलग पॉइंट से एक ही पहाड़ देख रहे हैं, बट देन बात ये भी है कि आप एक अच्छे वेदर में और एक घने डेंस जंगल में, आप कह सकते हैं कि आपको ट्रैक करने का मौका मिलेगा। तो इस पॉइंट्स के बहाने माथेरन में आप ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही थिनेस्ट माउंटेन कहा जाता है माथेरन को, तो और ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है नहीं माथेरन में। तो आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे, आपको चलने का ट्रैक बना हुआ होगा, जो कि रेड टाइल्स टाइप आप बोल सकते हैं, क्योंकि एंटी स्किड होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो हमारे पीछे इको पॉइंट का बोर्ड लगा हुआ है। तो इसी तरीके से बहुत सारी पॉइंट यहाँ पे बनी हुई हैं, जिसके लिए हम पैदल ही कवर कर सकते हैं। पर हाँ, मौसम अच्छा हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से आप चल के कवर किया जा सकता है। इस समय आपको इस तरीके की टाइल्स दिख सकती हैं रोड पे, और ये एक तरीके का टी शेप में रास्ते जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, तो ये बता रहा है कि पे मास्टर पार्क सनसेट पॉइंट के लिए आप ये रास्ता चुनें, और अगर आपको इको पॉइंट, हनीमून पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट, लुइस पॉइंट, मलंग पॉइंट के लिए ये रास्ता चुने। इको और लुइस पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं,
और अगर आप इस रास्ते पे आएंगे तो ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर हम माथेरन रेलवे स्टेशन से आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात भवन। गुजरात भवन एक प्योर वेज होटल है और स्टे का भी है। चलिए आपको एक बार अंदर से उसकी झांकी दिखाते हैं। फिलहाल सुबह के 9 बज रहे हैं तो ये जो कंप्लीट ट्रैक है माथेरन का, यहाँ पे जगह जगह पे आपको यू नो चाय पानी जूस की व्यवस्था रहती है। अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे, माथेरन में आपको इस तरीके का रेनकोट मिल जाएगा जो सिर्फ 50 रुपये में मिल सकता है आपको, और जनरली सिर्फ आप अगर ये जो पन्नी वाला रेनकोट लेंगे तो ये 30 रुपये का है, ऊपर से ये हैट 20 रुपये में, तो 50 रुपये का पूरा सेट आपको मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको हर जगह पे ट्रैक में घूमने के लिए पूरे पॉइंट्स का मैप बना होगा, तो आपको भले ही आपका नेटवर्क ना आए फिर भी आप यहाँ पर आराम से सारे पॉइंट्स देखते हुए अपना रास्ता चुन सकते हैं। पॉइंट्स तो बहुत हैं, तो हम सोचते हैं कि इस बार हम 4 लोटे लेक चलते हैं, जो कि थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, बट वही है, फॉरेस्ट ट्रेल पे नहीं आए तो क्या आए। कि यहाँ पे जगह जगह पर कुछ छोटे मोटे दुकान रहते हैं और आपको साइन बोर्ड्स भी है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं घूम करके तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक दुकान है छोटी सी, क्योंकि आज मंडे है, टूरिस्ट कम होंगे तो इस कारण से हो सकता है कि ये दुकान बंद है, वरना आपको बैठने की भी जगह आपको पीछे मिल जाएगी। ये हम आ गए हैं 4 लोटे लेक, और अगर हम कैमरा को यहाँ पे मोड़ें तो ये है आपका 4 लोटे लेक का वाटरफॉल, जहाँ पे जाना, नज़दीक जाना तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप दूर से ही इसके मज़े ले सकते हैं। बेसिकली 4 लोटे लेक का डैम, मेरे लेफ्ट साइड में है 4 लोटे डैम, जहाँ पे लोग आके नहाते भी हैं। अभी पानी कम है तो पानी नहीं बह रहा, अभी जून लास्ट का वीक है। और मेरे राइट साइड में है सीलिया पॉइंट, जो यहाँ से पानी जाता है और वहाँ से झरना बन के गिरता है। ये है 4 लोटे लेक, जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से चेयर्स भी रखी हुई हैं, आप यहाँ पे बैठ के इस लेक का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से फॉग ही फॉग यहाँ पर है।
यहीं पे आपका है असीरनाथ मंदिर माथेरन। अब चार लोटे लेक लॉर्ड्स पॉइंट के बाद अब हम जा रहे हैं इको पॉइंट, और इको पॉइंट के बाद हम सीधे माथेरन रेलवे स्टेशन की तरफ चलेंगे, जहां से हम वापस अमन लॉज, और अमन लॉज में हमने स्टे लिया है MTDC रिजॉर्ट में। तो और बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहां पे, लुइस पॉइंट, सनसेट, बस सब एक जैसे ही हैं। अब हम आ चुके हैं इको पॉइंट, और ये रहा इको पॉइंट, अभी आपको इको पॉइंट से होकर के अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स माथेरन रेलवे स्टेशन। तो वहीं पे खाना वाना खाया जाएगा, और ट्रेन पकड़ के वापस हम चलेंगे MTDC रिजॉर्ट। तो ये जो हमने पूरा का पूरा सर्किट किया, ये एक छोटा सा सर्किट आप कह सकते हैं, और आप भी आराम से कर सकते हैं कि आप आए माथेरन रेलवे स्टेशन, वहाँ से माधव पॉइंट और खंडाला पॉइंट, फिर आप आ सकते हैं चार लोटे लेक, चार लोटे लेक से लॉर्ड्स पॉइंट, लॉर्ड्स पॉइंट से इको, और इको पॉइंट से आप वापस रेलवे स्टेशन की ओर जा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से पॉइंट्स यहां पर है, जो अब आपके ऊपर है कि आप क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ट्रैक कर रहे हैं माथेरन टू अमन लॉज के रेल ट्रैक पर, जो कि 3.3 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रेन इसे लगाती है, टॉय ट्रेन, लगभग 15 मिनट। बट यहाँ से जाने, पैदल जाने का जो मज़ा है, वो बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। चारों तरफ फॉग और ग्रीनरी, और ऐसा नहीं कि यह रास्ता कुछ बहुत ही सुनसान या खाली है, बहुत से लोग यहाँ से पैदल ट्रैक करते हैं। फॉग में, सॉरी फॉग में छुपा। चलो चलो वहाँ चलो।